कौन से टेस्ट है जो बहुत जरूरी हैं, जो आदमी को करवाने ही चाहिए? साथ में इको या टीएमटी जरूर करा लें, उससे आपका हार्ट, जब आप वॉक कर रहे हैं, ब्रिस्क एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो आपका हार्ट कितना फंक्शन कर रहा है, कितना आउटपुट दे रहा है, बिल्कुल एक कराना चाहिए। खतरे की घंटी बज चुकी है। जी हाँ, ये खतरे की घंटी है हर भारतीय के लिए, क्योंकि विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO ने कह दिया है 2030 तक 60% भारतीय हो जाएंगे अनहेल्दी, यानी कि अस्वस्थ की कैटेगरी में शामिल हो जाएंगे 60% भारतीय। अडल्ट भारतीयों की बात कर रहे हैं, यानी कि 18 साल से ऊपर की जनसंख्या इसमें शामिल है। ये बहुत बड़ी खतरे की घंटी है, क्योंकि पोस्ट कोविड ही हमने देखा है लोगों की इम्यूनिटी कॉम्प्रोमाइज हुई है, कई नई बीमारियां हैं जो लोगों को आसानी से घेर रही हैं। ऐसे में जब ये ठप्पा ही लग गया है कि भाई आप अस्वस्थ हैं, और 2030 यानी कि और 5-6 साल तक ये जो सिचुएशन है और ग्रेव होने वाली है, क्या करें क्या ना करें, आइए ये समझ लेते हैं। ये सब समझाने के लिए, डराने के लिए नहीं, समझाने के लिए और बताने के लिए हमारे साथ हैं फेलिक्स हॉस्पिटल के चेयरपर्सन डॉक्टर DK गुप्ता, वरिष्ठ चिकित्सक हैं। डॉक्टर साहब, पहले तो धन्यवाद आपका आने के लिए। और डॉक्टर, अब डर लग गया है, मतलब ये जो खबर है मुझे लगता है इसने थोड़ा बहुत ज़्यादा कम लेकिन हर भारतीय को परेशान कर दिया है, क्योंकि तमाम जो मानक तय किए गए हैं उस हिसाब से इस वक्त तकरीबन 50% से थोड़ा ज़्यादा, और 2030 और 5-6 साल तक तो 60% भारतीय अस्वस्थ घोषित कर दिए जाएंगे। रीमा जी, बिल्कुल ठीक कह रहे हो आप, जो रिपोर्ट है थोड़ी चौंकाने वाली हम सबके लिए, जो पहले जो अगर रिपोर्ट थी इससे पहले कितना विश्वास किया जाए डॉक्टर साहब सबसे पहले। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अगर आप ना ऑफिस में सर्वे कराओगे ना तो इससे ज्यादा निकलेंगे। अच्छा, जो इस सर्वे हुआ ना, ये बहुत लंबी ड्यूरेशन के लिए हुआ, बहुत सारे 197 कंट्रीज में हुआ है। तो मैं अगर बात करता हूँ कि रिपोर्ट की, तो रिपोर्ट जेन्युइन है, बिकॉज लैंसेट की स्टडी है, इवन WHO की भी ऐसी बहुत सारी रिपोर्ट आ चुकी हैं जो लगभग इससे मैच खाती हैं। और इससे कुछ साल पहले जब ये रिपोर्ट पहले हुई थी, तो उस समय हमारा जो पॉपुलेशन थी वो 30% थी सिर्फ, अब वो बिकॉज जो सेडेंटरी लाइफस्टाइल, ये तो डबल होने वाला है, बिल्कुल बड़ा 2030 में 30-60% हो जाएगा, और उसमें भी महिलाओं की संख्या ज्यादा है। बिल्कुल, आपको तो और डरने की जरूरत तो नहीं, बट आपको अपने को अलार्म करने की जरूरत है, सेल्फ रिफ्लेक्शन करने की जरूरत है, अपना देखने की झांकने की जरूरत है कि हम लोगों को और क्या इम्प्रूव करना चाहिए। 57% के आसपास महिलाएं हैं, 43% के आसपास पुरुष हैं, और जो बाद में जाके 60% हो जाएंगे। जो सबसे बड़ी बात प्रॉब्लम है, अगर बात करें, इवन जो अर्बनाइजेशन हो रहा है, जो शहरीकरण हो रहा है हमारे देश का, इसमें पहले क्या होता था, लोग गांव में रहते थे, छोटे शहरों में रहते थे, साइकिल चलाते थे, वॉक करते थे, एक्सरसाइज करते, घर का काम खुद करते थे, फील्ड में काम करते थे। अब सारी चीज़ें क्या होती हैं, धीरे धीरे डेलीगेट होती जा रही हैं, आउटसोर्स होती जा रही हैं। आप घर में, आप पहले किसी घर में वो 4-व्हीलर नहीं होता था, 2-व्हीलर भी होते थे या साइकिल होती थी नॉर्मली, अब क्या सब घर में 4-व्हीलर, हर बच्चे के लिए अलग है, बड़ों के लिए अलग है। कहीं ना कहीं जो कॉर्पोरेट कल्चर आ गया है ऑफिस में, और हमारी जो डिपेंडेंसी है सोर्सेस पे, वो बढ़ गई। दूसरा जो है सेडेंटरी लाइफस्टाइल, जैसे आपकी जॉब है फिटिंग जॉब है, आप ऐप पहन लो, कुछ भी कर लो, 10,000 स्टेप करोगे तो पता भी लगेगा, हो भी नहीं पाएंगे, कितना भी जोर लगा लो आप। Exactly. जब तक कि वो आधा घंटे पौना घंटे रोज वॉक नहीं करते, एक्सरसाइज नहीं करते, रन नहीं करते, साइकिल नहीं करते, स्विमिंग नहीं करते, तो कहीं ना कहीं जो कॉर्पोरेट कल्चर आ गया, कॉर्पोरेट कल्चर में भी जॉब वो 8 घंटे की नहीं रही है, लोग 8-10, 12 घंटे 14 घंटे तक काम कर रहे हैं, या वर्क फ्रॉम होम का कल्चर आ गया, घर में भी आप बैठी है एक ही जगह नहीं कर पा रहे। तीसरी बात जो सबसे इंपॉर्टेंट, जो शायद थोड़ा इंप्रूवमेंट हुआ कोविड के बाद, कि पहले क्या हुआ था, कोविड से पहले तो लोगों के अंदर अवेयरनेस ही नहीं थी, हम लोग अपने को अनफिट मानते ही नहीं। अभी जैसे बात हो रही थी किसी व्यक्ति के, आप याद कर रहे थे, उसका जो ट्राइग्लिसराइड है वो 800 पहुंच गया, किसी का 500 पहुंच गया, देखने में फिट लग रहे हैं, तो उनको लगता ही नहीं कि फिट है, लोग अवेयर नहीं, लोग अपना टेस्ट ही नहीं कराते तो भाई उन्हें अपने हेल्थ की हेल्थ भी देखनी चाहिए कि भाई कितने फिट है, हार्ट कितना फिट है उनका, किडनी कितनी फिट है, अपनी आँखें कितनी फिट है, दूसरे ऑर्गन का क्या हाल है। तो उसके लिए जो फिजिकल चेकअप और साथ में जो लैब चेकअप जो होते हैं, साथ में रेडियोलॉजिकल टेस्ट, जो अल्ट्रासाउंड, और जो इसके अलावा कार्डियोलॉजिकल टेस्ट होते हैं, इको TMT है, वो जरूर होती है। बहुत सारे लोग टेस्ट तो करा लेते हैं, वो इनकम्प्लीट लैब का टेस्ट कराते हैं आजकल, वो 499 में बहुत है, बहुत सारे छोटे लैब ब्लड टेस्ट हो गए, लिपिड टेस्ट हो गए, ब्लड टेस्ट से तो आपको ब्लड टेस्ट की, ब्लड की पता लग जाता है कि क्या क्या चीज़ें हैं, बट एक्चुअली जो हार्ट की हेल्थ है वो इको से पता लगेगी, TMT से पता लगेगी, आपको वो इमेजिंग के टेस्ट कराने के टेस्ट करने पड़ेंगे, वो लोग नहीं करा पा रहे। तो साल में एटलीस्ट 40 साल से ऊपर व्यक्ति जो भी है, उसको एक साल में एक बार, 50-60 से उस साल में 2 बार एटलीस्ट अपना पूरा बेसिक हार्ट हेल्थ चेकअप कराना चाहिए, देखना चाहिए हम लोग कहाँ फिट हैं। बात करते हैं अगर इसकी, तो इसमें डायबिटीज, हाइपरटेंशन जैसी बीमारियां, मतलब पैंडेमिक की तरह फैल रही हैं हमारे देश में भी, तो बिकॉज अगर स्क्रीनिंग अच्छी करेंगे तो पता लग जाएगा, तो अवेयरनेस बढ़ जाएगी, तो सर इसको कंट्रोल कर सकते हैं। ये आपने बहुत अच्छी बात कही डॉक्टर साहब, और मुझे ये लगता है जो जैसे पर्सनल लेवल पर अगर मैं अपनी बात करूँ, चैरिटी बिगिंस फ्रॉम द होम के एटीट्यूड से,
तो ये चैरिटी नहीं है, नहीं मतलब हाँ अवेयरनेस को लेकर के कि कोविड के बाद लोग ज्यादा चिंतित हुए हैं। कोविड के बाद अब कंपैरेटिवली मैंने देखा है कि लोग अपने टेस्ट ज्यादा करवा रहे हैं। कोविड के बाद मैंने देखा है लोग जो है अब लाइफस्टाइल की तरफ बढ़ रहे हैं। उस सब के बावजूद अगर स्थिति ये है कि हम तकरीबन 50% हमारी जो व्यस्क जनसंख्या है उसे अस्वस्थ घोषित कर दिया गया है, तो यानी कि ये स्थिति तो लगातार बहुत विकराल चली आ रही है। तो क्या इसके पीछे जो हमारा सबसे बड़ी जो वजह एक ये भी सामने आई है कि हमारा जो डाइटरी रूटीन है वो सबसे ज़्यादा गड़बड़ है, क्योंकि आप बता रहे थे कि हमारी जो एक्टिविटीज़ हैं वो कितनी कम होती जा रही हैं, लेकिन हमारी जो डाइट है वो वैसी ही है जैसी चली आ रही है पारंपरिक रूप से, उसमें कोई बदलाव नहीं किया जा और खराब हो गई है। पारंपरिक डाइट थी हमारी अच्छी थी, उसमें घर का खाना होता था, फ्रेश लीफ वेजिटेबल्स होती थी, सीजनल फ्रूट्स होते थे, रूट वाली वेजिटेबल्स होती थी, लेकिन उसे लोगों ने ज्यादा गरिष्ठ कर दिया। मोटा अनाज खाते थे हम लोग, ठीक है, अब सिर्फ गेहूं की रोटियां खा रहे हैं, गेहूं सिर्फ चावल मिल रहा है। और साथ में जब से ये बहुत सारे ऐप आए ना, स्विगी, जोमैटो, ब्लिंकिट, आप 10 मिनट के अंदर आपको पिज्जा और पराठा और सब आ जाता है। बिल्कुल, सब्जियां भी आप ऑर्डर कर रहे हैं तो वो ग्रेवी वाली, क्रीम वाली, खूब मसालों वाली। कहीं ना कहीं जो कल्चर है खाने पीने का बहुत चेंज हो गया है। पहले हम लोग हॉस्टल में रहते थे जब, तो शायद संडे को खाना मिलता था बाहर का, जब मैस बंद होती थी। अब जो जितने बच्चे हॉस्टल में रह रहे हैं वो रोज स्विगी जोमैटो करके घर में खाना मंगा मांगा, क्योंकि पहले ऑप्शन ही नहीं था। अब इतने सारे ऑप्शन, घर के अंदर भी रात के 12 बजे खाना मंगाओ तो 12 बजे ऐप पे जो आपको खाना मिल जाएगा, और सारा जंक फूड है, सारा अनहेल्दी फूड है। मैं फिर बोल रहा हूँ, दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल एट ऑल। बिल्कुल, आपको हेल्दी रहना है, डायबिटीज फ्री रहना है, हाइपरटेंशन फ्री रहना है, आपको अपना लिपिड प्रोफाइल ठीक रखना है, कार्डिक ठीक रखना है, तो फिर आपको गैस्ट्रिक GI सिस्टम को ठीक रहना है, तो फिर आपको बिल्कुल खाना अवॉइड करना चाहिए। पहला तो मेजर फैक्टर जो आपने बताया। दूसरा है जो इनएक्टिविटी है फिजिकल, हर व्यक्ति को डेली 25 से 30 मिनट कुछ ना कुछ एक्सरसाइज कार्डियो जरूर करनी चाहिए, जिसमें वॉकिंग है, ब्रिस्क वॉकिंग है, रनिंग है, साइकिलिंग है, स्विमिंग है, या जिम के अंदर जो ट्रेडमिल है उस पर दौड़ना है। तो जब तक आप 25 से 30 मिनट डेली नहीं करोगे, उसमें ये देखा गया है, इनएक्टिव उन्हीं को बोला गया जो जो 150 मिनट पर वीक से कम काम कर रहे हैं, मतलब कम एक्सरसाइज कर रहे हैं, उनको जो क्राइटेरिया रखा है, तो आपको जरूर करना है। तभी आप अपने बॉडी वेट को कंट्रोल कर सकते हैं, तभी आप अपने डायबिटीज को कंट्रोल कर सकते हैं, तभी अपने जो अपने जो बॉडी के दूसरे पैरामीटर को ठीक कर सकते हैं। और दूसरी बात डॉक्टर साहब, इसमें ये भी बताई गई है कि ज़्यादातर इंडियंस को ये पता ही नहीं चलता है कि वो मेंटल डिस्ट्रेस में है, उसकी वजह से उनकी एक्टिविटीज़ प्रभावित हो रही हैं, वो ये समझ ही नहीं पाते कि उनका खान पान बिगड़ रहा है। ये जो दो चीज़ें हैं ये मिक्स हो जाती हैं, मेंटल और फिजिकल स्ट्रेस, इसको वो समझ नहीं पा रहे। नहीं, आप बिल्कुल ठीक कर रहे हो, दोनों चीज़ें रिलेटेड हैं। मेंटल डिस्ट्रेस से भी फिजिकल एक्टिविटी कम हो सकती है, और फिजिकल एक्टिविटी कम होने से भी मेंटल डिस्ट्रेस हो सकता है, आप समझ रहे हो। तो हमें जो हमारे दर्शकों को अवेयर करने की जरूरत है कि भैया अगर आप फिजिकली फिट नहीं हो, फिजिकली एक्टिव नहीं हो, तो आपको क्या क्या डिसऑर्डर्स हो सकते हैं। अगर हम बात करते हैं तो कार्डिक प्रॉब्लम बहुत कॉमन है कि आपका ट्राइग्लिसराइड जैसे भी बात कर रहे थे खराब हो जाएगा, लिपिड प्रोफाइल खराब हो जाएगा, कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा, HDL कम हो जाएगा, साथ में हाइपरटेंशन, हर चौथा व्यक्ति इस समय देश में हाइपरटेंशन की तरफ जा रहा है, तो हाइपरटेंशन बहुत बढ़ जाती है। बहुत सारे लोगों को एथेरोस्क्लेरोसिस हो जाती है, मतलब जो धमनियाँ हमारी हार्ट की हैं वो सिकुड़ जाती हैं, पतली हो जाती हैं, घी जम जाता है, फैट जम जाता है, जिसकी वजह से हार्ट अटैक की संभावना बढ़ जाती है, कार्डियक फेलियर बढ़ जाती है। इसके अलावा डायबिटीज, 100 मिलियन के आसपास लोग इंडिया में रहते हैं जो डायबिटिक हैं, मतलब इंडिया देश जो है हमारा भारत कैपिटल बन गया है डायबिटीज का। इसके अलावा ऑस्टियोपोरोसिस, मतलब आपकी हड्डियां कमजोर हो जाएंगी, फ्रैक्चर बढ़ जाएंगे, मसल वीकनेस, मसल डिस्ट्रॉफी हो जाती है। इसके अलावा टाइप 2 डायबिटीज के अलावा गैस्ट्रिक प्रॉब्लम होती है, कॉन्स्टिपेशन है, आपको कब्ज जिसको बोलते हैं, इसके चांसेस बढ़ जाते हैं, अपच बढ़ जाती है। मेंटल डिसऑर्डर जो आप बात करते हैं बहुत कॉमन है, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको कॉग्निटिव डिसफंक्शन हो जाते हैं, मतलब डिमेंशिया, अल्जाइमर्स, और एंग्जायटी। तो देखिए ना, हर दूसरे आदमी को आजकल एंग्जायटी, हर दूसरा आदमी, मैंने देखा, आप सही कह रहे थे, इफ यू स्टार्ट फ्रॉम ऑफिस ओनली, अपने कलीग्स में भी, अपने दोस्तों में भी मैंने देखा, तो तकरीबन हर दूसरा आदमी नींद की दवाई खा के सो रहा है। बिल्कुल, तो ये इतने सारे जो सिम्टम्स हैं जिनकी बात कर रहे हैं ये बिकॉज ऑफ फिजिकल इनएक्टिव होने से हो रहे हैं। तो अगर आप जैसे लोग, हमारे जैसे लोग, मीडिया है, सोशल मीडिया है, सब लोग इस तरह के अवेयरनेस क्रिएट करेंगे दर्शकों के बीच में, जो टारगेट ऑडियंस हमारी जो है, जो जनता हमारी है, कि पता होना चाहिए कि फिजिकल इनएक्टिविटी से या फिजिकली एक्टिव ना होने की वजह से क्या क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं, क्या क्या हेल्थ प्रॉब्लम हो सकते हैं, उनके क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं। अगर डायबिटीज है तो डायबिटीज के 50 कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं, ओबेसिटी, मोटापा है, कैंसर हो सकता है, ठीक है, आपके पैनक्रियास तो सीधा सीधा खराब हो सकती है, ठीक है, तो जॉइंट्स खराब हो सकते हैं, मसल्स खराब हो सकती हैं, बोन्स खराब हो सकती हैं, आपकी आईज में, रेटिनोपैथी में डायबिटीज है तो हाइपरटेंसिव रेटिनोपैथी भी हो सकती है, डायबिटिक रेटिनोपैथी भी हो सकती है, ब्रेन के अंदर अल्जाइमर्स है, डिमेंशिया है, एंजाइटी है, डिस्ट्रेस है, मेंटल डिसऑर्डर है, इतनी सारी चीज़ें हो सकती हैं। तो पूरी बॉडी कहीं ना कहीं लिंक है, अगर आप
फिजिकली एक्टिव नहीं है, नहीं है तो आप उसको सफर करेंगे। मुझे लगता है ये मैसेज बिल्कुल क्लियर जाना चाहिए दर्शकों को कि अगर आप फिजिकली एक्टिव नहीं है तो आप अपने साथ बुरा कर रहे हैं। आप किसी भी कॉर्पोरेट लाइफ में जी रहे हो, कोई आपका बड़ा विजन हो, बट हेल्थ अगर नहीं होगी तो कोई बड़ा विजन नहीं चाहिए। एग्जैक्टली नहीं कर पाएंगे। कई सारे लोग थे जो शेयर मार्केट में, नाम सुनो का नाम नहीं बताना चाहूंगा मैं, कि वो उन्होंने बिलियंस ऑफ डॉलर्स कमाए, मतलब आप समझते हैं अरबपति जो लोग होते हैं, बट फिजिकली फिट नहीं तो क्या फायदा हो, सारा पैसा तो रह गया, पीछे रह गया। तो जब भी आप कुछ विजन क्रिएट करते हो अपना, तो विजन में खाली फाइनेंस की बात नहीं करनी है, खाली पैसे की बात नहीं करनी, हेल्थ क्या है, स्पिरिचुअलिटी क्या है, रिलेशनशिप क्या है, मेंटल हेल्थ क्या है, इन सब पे गौर करना चाहिए। उन सबके हिसाब से आपको अपना शेड्यूलिंग करनी चाहिए, एक इंक्लूसिव ग्रोथ की बात आपको करनी चाहिए। एक घंटा एटलीस्ट अपने हेल्थ पे देना है, अपने अपने आप पे देना है, उसमें मेडिटेशन भी, हेल्थ भी, एक्सरसाइज भी, सारा कुछ ध्यान रखना है। बिल्कुल डॉक्टर साहब, लास्टली अगर एक आदमी को बुनियादी तौर पर ये जानना है कि वो स्वस्थ है या नहीं, कौन से टेस्ट हैं जो उसको 20 साल की उम्र से, क्योंकि यहाँ ये बताया गया है कि 18 साल के बाद से ही जनसंख्या इसमें शामिल की गई है, कौन से टेस्ट हैं जो बहुत ज़रूरी हैं जो आदमी को करवाने ही चाहिए साल में एक बार 20 साल के ऊपर? तो पहला तो टेस्ट क्या है, सेल्फ ऑडिट है। अगर आप रोज 25 मिनट वॉक एक्सरसाइज नहीं कर रहे हो, मीन आप अनफिट हो, सिंपल फंडा है। तो आपको हर रोज वॉक एक्सरसाइज, रनिंग, साइकिलिंग, कुछ ना कुछ करना चाहिए, 25 से 30 मिनट डेली करना चाहिए, एटलीस्ट 5-6 वीक एटलीस्ट। पहला जो ऑडिट है जो बिल्कुल सिंपल, इसमें कोई पैसा नहीं खर्च होना है। दूसरा जो ऑडिट है कि जो बेसिक टेस्ट है, ब्लड टेस्ट है, CBC है, लिवर फंक्शन टेस्ट है, किडनी फंक्शन टेस्ट है, लिपिड प्रोफाइल है, ब्लड शुगर है, थायराइड है, और जॉइंट्स के कुछ आरए फैक्टर्स वगैरह होते हैं, विटामिन डी है, विटामिन बी12 है। आज आप अगर अपने पूरे ऑफिस का विटामिन डी है, विटामिन बी12 करा दें, 95% लोगों का कम निकलेगा, बता रहा हूँ। लोगों को समझ नहीं आता उनकी वजह से कितनी ज्यादा बीमार प्रॉब्लम होती है, फटीग होगा, थकावट होगी, फोकस नहीं होगा, काम नहीं कर पाएंगे। तो बेसिक टेस्ट कराने, इसके अलावा ब्लड टेस्ट के अलावा मैंने कहा जो बहुत सारे डायग्नोस्टिक टेस्ट दूसरे होते हैं, जो इमेजिंग के टेस्ट के साथ बनते हैं, जिसमें एक्सरे है, अल्ट्रासाउंड बहुत इंपॉर्टेंट है, पेट का अल्ट्रासाउंड, और उसमें प्रोस्टेट, लिवर, किडनी सब दिख जाता है, स्टोन सब दिख जाते हैं। और जो सबसे इंपॉर्टेंट टेस्ट है वो हार्ट का हेल्थ जरूर देखनी है, क्योंकि पूरी बॉडी को ब्रेन और हार्ट दो ही ढंग से कंट्रोल करते हैं। तो अगर आपने हार्ट का वो देखनी, तो लिपिड प्रोफाइल कराना ब्लड में, तो साथ में एक इको या TMT जरूर करा लें, उससे आपका हार्ट, जब आप वॉक कर रहे हैं, ब्रिस्क एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो आपका हार्ट कितना फंक्शन कर रहा है, बिल्कुल कराना चाहिए। बिल्कुल, तो ये वो बुनियादी टेस्ट है जिन्हें आपको कराना ही कराना है, ये इंश्योर करने के लिए कि आपका शरीर जो है उसकी जो मूलभूत जो फंक्शंस हैं वो ढंग से वो काम कर रहा है और स्वस्थ की श्रेणी में आता है। लेकिन सबसे बड़ी चीज़, बुनियादी चीज़, जैसा कि डॉक्टर गुप्ता बता रहे थे कि अगर आप अपने शरीर को आधा घंटा रोज़ नहीं दे रहे हैं स्वास्थ्य के हिसाब से किसी एक्टिविटी के लिए, तब आप ये मान करके चलिए कि आप अगर नहीं भी हैं अस्वस्थ, आप धीरे धीरे जा ही रहे हैं उस कैटेगरी में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका डॉक्टर साहब इस पूरे विषय पर, इस चर्चा के लिए।